हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यह परीक्षण वायरमैन व्यवसाय के बच्चों के द्वारा किया गया है। इस परीक्षण में सीखा गया है कि किस प्रकार एक नाइट बल्ब या स्ट्रीट लाइट या कहें हम आउटडोर लाइट रात के अंधेरे में ऑन हो जाती है और दिन निकलते ही बंद हो जाती है। तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। वो कंपोनेंट जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें एक LDR यूज़ किया जाता है, एक BT-136 ट्राइक का प्रयोग किया जाता है। ट्राइक के गेट पर सीरीज में एक 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से यह सर्किट रात के अंधेरे में ऑन और दिन में या लाइटिंग पड़ने पर बंद हो जाता है, किस प्रकार यह फंक्शन करता है, इसके अंदर जो LDR यूज़ किया गया है उस LDR की वजह से यह फंक्शन करता है। LDR का मतलब लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर होता है, इसको हम फोटो रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। यह फंक्शन कैसे करता है, LDR को जब हम अंधेरे में रखते हैं तो इसका रजिस्टेंस कई गुना अधिक हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, और जो इसको हम लाइट में रखते हैं तो इसका रजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है। इसलिए LDR के द्वारा बल्ब रात के अंधेरे में ऑन हो जाता है और दिन निकलते ही या उसके ऊपर लाइट पड़ते ही बल्ब बंद हो जाता है। इसके अलावा जो BT-136 ट्राइक सर्किट में प्रयोग किया गया है उसका काम है सर्किट में वोल्टेज ट्रिगिंग का, यह वोल्टेज ट्रिगिंग का कार्य करता है सर्किट में। तो आप देखेंगे किस प्रकार वायरमैन व्यवसाय के बच्चों ने इस वीडियो में यह सर्किट तैयार किया कि किस प्रकार से बल्ब रात के अंधेरे में ऑन हो जाता है और दिन निकलते ही बंद हो जाता है। बल्ब को LDR के द्वारा कंट्रोल करना, LDR
रात में काम करेगा, रात के अंदर LDR सर्किट को ऑन करता है जिससे कि लैंप जल जाता है। जो ही LDR के ऊपर रोशनी गिरती है या दिन निकलता है, दिन निकलती है LDR सर्किट को ऑफ कर देगा जिससे कि बल्ब बंद हो जाता है। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है मोबाइल की जो ये रोशनी LDR पर पड़ती है ये सर्किट को ऑफ कर देता है। जो ही इस रोशनी को दूर करते हैं बल्ब जल जाता है। ये प्रैक्टिकल हमारी सेकेंड ईयर की बच्चों के द्वारा एक लैंप को या ऑटोमेटिक नाइट बल्ब ऑन ऑफ स्विच तैयार कर